ये नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन ये हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवान का नाम दीपक पासवान बताया जा रहा है, जो सीआरपीएफ की 168 बटालियन में पोस्टेड हैं। आईईडी ब्लास्ट में घायल होने के बाद साथियों ने जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामला जिले के उसूर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह को देखते हुए बीजापुर में फोर्स अलर्ट है। मंगलवार को सीआरपीएफ 168 बटालियन के जवान नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। जैसे ही जवान गलगम के जंगल में पहुंचे, तभी सर्चिंग करते वक्त दीपक पासवान का पैर प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया, जिससे जोड़ का धमाका हुआ। जवान को गंभीर चोटें आई हैं। साथियों ने फौरन घायल जवान को घटनास्थल से निकाला। सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जवान को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जवान दीपक की आंखों में चोटें आई हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर रेफर किया जा सकता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।